love to eat this delicious looking shawarma? I'm sure there's no one. तो ये बहुत ही मज़े का दिखने वाला शावरमा आज आप सीखेंगे मेरे अंदाज में. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं इसे किस तरीके से बनाना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही फेवरेट एंड वन ऑफ आवर ट्रेडिशनल स्वीट डिशेस में से एक शेयर करने वाली हूँ, जो कि है शावरमा. शावरमा जो है वो नॉर्मली जो है हम लोग ओकेजन्स वगैरह पर बनाते हैं, जैसे कि ईद उल फितर पर तो ये हर घर में बनता है और हर घर में बनाने का इसे अपना ही एक मुनफरद अंदाज है. लेकिन आज आपको मैं इसे बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ. तो बस जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो यहाँ पर मैंने एक कप के करीब बादाम लिए हैं और इसे इस तरीके से मैंने स्लाइस कर लिया है, चॉप कर लिया. आप इस तरीके से थिनली स्लाइस कर लें या चॉप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी. और इसके अलावा मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, उन्हें भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया. और यहाँ पर मैंने छुआरे लिए हैं, जो ड्राई डेट्स होती हैं हमारी, उनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया और सुबह इस तरीके से मैंने उन्हें काट लिया. इसके अलावा 4 से 5 हमें सब्ज़ इलायची चाहिए. यहाँ पर मैंने सेवैयाँ ली हैं, आप इस तरह जो पैकेट में सेवैयाँ आती हैं आप वो ले लीजिए, मैंने हाफ पैकेट यूज़ किया है. और यहाँ पर मेरे पास 2 कप के करीब कंडेंस मिल्क है. तो बस चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़े से पतीले में 4 किलो के करीब जो है मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है. और हल्की आंच पर आपने दूध को फ़िलहाल रखना है. और मैं खुला दूध यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं. और जब तक हमारा दूध जो है हल्की आंच पर पक रहा है, हम अपने बाकी की तैयारी कर लेते हैं. अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है वो देसी घी ऐड कर रही हूँ. आप चाहें तो कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं. फ्लेम को आप बिल्कुल आहिस्ता रखिए. और अब इसके अंदर मैं ये जो मेरे पास नट्स हैं ये मैं हाफ जो है इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हल्का सा भून लूंगी. और बाकी के जो हैं वो मैं गार्निश के लिए बचा लूंगी. चलिए जी, यहाँ पर नट्स को जो है मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी. हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो हमारे जो नट्स हैं वो जल जाएंगे. हमें बस इसे जलाना नहीं है, एक अच्छा सा हमें इस पर कलर देना था और बस वो आ चुका है. और अब इसी पैन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल घी की फिर ऐड करूंगी और उसमें हम अपनी सेवैयाँ जो हैं उसको भी हम इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे. दो टेबल स्पून के करीब जो है मैंने घी ऐड कर दिया है. और अब इसमें हम अपनी ये जो आधा पैकेट मैंने सेवियों का लिया है वो मैं इसमें डाल दूंगी. और अब इसी तरीके से इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे. जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी भलाई इसके ऊपर आ रही है. और बस अब इस स्टेज के ऊपर जो है हम सबसे पहले अपनी ये जो 4 से 5 इलायची है ये इसमें ऐड करेंगे. आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. इसे ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो 2 कप के करीब कंडेंस मिल्क है मैं वो ऐड करूँगी. आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह आप शुगर को भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है. तो सारा कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम गोना स्टर इट ताकि हम अच्छे से कंडेंस मिल्क जो है हमारा इसमें मिक्स हो जाए. कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद भी अगर आपको मीठा कम लगे और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप मीठा अपने हिसाब से मज़ीद ऐड कर सकते हैं. अच्छा जी, कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अब हमने ये जो अपने ड्राई फ्रूट्स थे जो हमने अभी रोस्ट किए थे वो भी हम सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे अपने दूध में.
इसे ऐड करने के बाद हमने ये जो सेवैयाँ रोस्ट की थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारी की सारी। और बस अब हमें जो है इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहना है। एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब आप कोई मीठा बना रहे हो कि जिसे हमें स्लाइटली जिसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखना हो तो आप जो है वुडन स्पून हमेशा यूज़ किया करें। उससे जो है उसमें एक थिकनेस आती है जो भी हम मीठा बना रहे होते हैं। अगर आप कस्टर्ड बना रहे हैं, अगर आप सेवैयाँ खीर कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो कोशिश किया करें आप वुडन स्पून का यूज़ किया करें। तो बस देखिए जी अभी स्टेज के ऊपर जो है अभी हमारा दूध बहुत पतला है, हमें इसे स्लाइटली थिक रखना है। तो बस इस स्टेज के ऊपर अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रख दूंगी और ओकेजनली इसमें जो है स्पून हिलाती रहूंगी ताकि ये दूध जो है हमारा नीचे ना लगे जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे 45 to 50 minutes जो है मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था और जो है इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाती रही और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। बस आपको इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, आप देख सकते हैं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी जो है काफ़ी थिक हो जाता है। तो शीर खुरमा जो है वो बहुत ज़्यादा थिक जो उसको नहीं रखते। बस इस स्टेज के ऊपर मैं अब स्टोव को कर रही हूँ बंद और इसे ठंडा होने पर इसे डिश आउट करेंगे और फिर इसकी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरे पास बचे हुए पिस्ते और ड्राई डेट्स थी और इसके अलावा जो बादाम थे मैंने इसे ठंडा होने पर इस तरह से डिश आउट कर दिया। मैंने इसे ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में इसे प्रेजेंट किया है इस तरीके से। बाकी मैंने नट्स को जिस तरह भी बस आपको गार्निश आती हो, मुझे बस इस सिंपल तरीके से आती थी तो मैंने कर दी। बस आप इसे ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इसे किस तरीके से बनाते हैं, मुझसे शेयर किया कीजिए। और प्लीज़ अभी तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं पर अभी तक अगर उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। यू जस्ट हैव टू क्लिक अ सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।